और कल के कौन से ऐसे स्टॉक्स आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, इंट्राडे के भी आपसे बात करेंगे। ट्रेडर्स, पहले भी मैंने कल मतलब फ्राइडे के सेशन में मैंने एक वीडियो बनाया था, सैटरडे के सेशन में उसमें हमने पोजिशनल कॉल्स आपको बताए थे, PVR, महिंद्रा एंड महिंद्रा, SRT, और साथ में ही बताया था आपको इंडिगो। इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम, जो PVR था एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में दिया भी था, मगर मार्केट में दबाव होने के कारण वो नीचे भी आया। तो आपको PVR के अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस है, बने रहिए। मार्केट के अंदर अगर गिरावट मिलता है माल उठाते जाइए, जब भी न्यूज़ अगर महाराष्ट्र की तरफ से अच्छी खबर निकल कर आएगा लॉकडाउन से रिलेटेड या अदर्स किसी चीज़ से रिलेटेड, तो महाराष्ट्र न्यूज़ को ट्रैक करते रहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब भी कुछ भी न्यूज़ निकालेगी, आपको अगर बैड न्यूज़ निकालेगी तो ज़रूर ही आपको अगर कोविड में ढील देगा, तो आपको देखिएगा कि PVR के अंदर एक तेज़ी देखने को मिलेगा। जैसे ही लॉकडाउन में टाइट करेगा आपको उसके अंदर गिरावट देखने को मिलता है PVR के अंदर, ये ट्रैक करते रहिए आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं PVR, जो हमने स्टॉक्स को आज मैंने सेलेक्ट किया है उस स्टॉक का नाम है, चलिए आज अभी देख लेते हैं, स्टॉक का नाम है प्रीमल इंटरप्राइजेस। ठीक है ट्रेडर्स, प्रीमल इंटरप्राइजेस को आप कल के सत्र में रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर। कल के सत्र में इसके अंदर मैं एक तेजी के संकेत दिख रहे हैं मुझे, आज देखिएगा 5 से 6% तक का गिरावट भी देखने को मिला है। कल भी इसके अंदर मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर बाई ऑन डिप्स गिरावट अगर मिलता है ना ट्रेडर्स, तो आप बाई कीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, गिरावट अगर कल मिलता है तो बाई कीजिए। टारगेट आपको 2530 रुपये से लेकर 2550 से 60 रुपये तक का रखिएगा टारगेट। मुझे लगता है कि कल 2560 रुपये तक, 2560 तक का टारगेट आप प्रीमल इंटरप्राइजेस के अंदर पा सकते हैं। अगर 2500 के नीचे अगर आपको मिले तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वेट कीजिए कितना नीचे गिरता है, बाई कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा 2550। अगर नहीं, कल भी नहीं जाता है तो होल्ड करके रखिएगा, ये 2550 जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रीमल इंटरप्राइजेस के अंदर। पोजिशनली भी आप लेकर चल सकते हो, 2550 आपको मिलेगा टारगेट। ठीक है, इसमें मैं 2% तक के टारगेट्स का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हमारे वॉच लिस्ट में प्रीमल इंटरप्राइजेस भी रहेंगे, क्योंकि पोजिशनली ये एक 2550 मिलेगा ही मिलेगा। चलिए दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है टिमकेन इंडिया लिमिटेड, ये आपके सामने है, आपको देख भी सकते हो। टिमकेन इंडिया के आज अंदर करीबन 10% तक के मोमेंटम थे, मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में बाइंग करने की सलाह भी दिया था, जो 1800 के एवब था, 1840 रुपये तक का टारगेट था, टारगेट भी अचीव हुआ है आज। कल के सत्र में भी इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखना है ट्रेडर्स। मुझे लगता है कि कल के अंदर ये इसके शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स हैं, ये मुझे टारगेट्स इसके जो दिख रहे हैं ना टारगेट्स, इसका मेरा लग रहा है कि 2000 के टारगेट्स आपको अचीव होता हुआ जल्द देखने को मिल सकता है ट्रेडर्स। अगर देखा जाए कि इधर ये 5 दिन के मोमेंटम को देखिएगा ना, 1 मंथ का मोमेंटम, तो करीबन 20% तक आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी तक जो पूरा ओवरऑल मोमेंटम देखिएगा ना, तो कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं है टिमकेन इंडिया लिमिटेड का। तो टिमकेन इंडिया को मतलब पोजिशनली 2000 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप इसके अंदर जा सकते हो, और मुझे लगता है कि कल टिमकेन इंडिया 1815 के अबव निकलता है तो आपको बाइंग करने की सलाह रहेगी। मतलब 1799 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट आपको 1835 रुपये से लेकर 1850 रुपये तक के टारगेट के लिए जाना चाहिए टिमकेन इंडिया के लिए। दूसरा स्टॉक है हमारे पास टाटा स्टील, दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। और ट्रेडर्स, टाटा स्टील के अंदर 10% तक के आज अपर सर्किट लगे हैं। इसके ग्लोबल न्यूज बहुत ही खराब थे, जिस प्रकार से ये देख सकते हो, टाटा स्टील कंटिन्यू टू फॉल टैंक 15% इन 4 डे वेयर स्टॉक्स इज एड। और इसके ग्लोबल न्यूज जो चाइना का जो स्टील का जब जो गिरावट था ना, ये मुझे न्यूज आज मतलब शाम को पता चला है कि मैंने जब देखा कि 10% का लोअर सर्किट क्यों, तो इसी कारण मैंने स्टील सेक्टर में आज करीबन डाउन देखने को मिला। और ये न्यूज चाइना का जो मेटल सेक्टर का जो इंडेक्स है ना, वो 10% तक के गिरावट लोअर सर्किट लगे थे, इसके कारण इंडिया के मेटल सेक्टर पर हावी था, इसीलिए इंडियन मेटल सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिला ट्रेडर्स। आज जो इसके सबसे ज़्यादा लोअर सर्किट लगे ना, आज मेटल सेक्टर ही मार्केट को पूरा मतलब सेल ऑफ दिखने को मिला। तो कल टाटा स्टील में क्या करे, तो कल गैप डाउन टाटा स्टील के अंदर देख खुलने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो अपॉर्चुनिटी है, आप माल को उठा लीजिएगा और वेट कीजिएगा, आपको मतलब कि मार्केट क्लोज होते होते तक पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ देखने को मिल सकता है मार्केट। तो टाटा स्टील को क्या है कि कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वेट कीजिए कितना लोअर जाता है,
आपको वहीं पे माल उठाकर बैठ जाना है, होल्ड करना है पोजिशनली। अगर स्विंग ट्रेडर्स हो आप, स्विंग ट्रेडर्स हो, अगर कल भी गिरावट होता है टाटा स्टील के अंदर, तो मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपको बाइंग करने के लिए। बाई करके होल्ड करोगे फिर से ये टारगेट्स की ओर अचीव कर लेगा अपना, इसके लिए कोई परेशानी नहीं। टाटा स्टील फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से अगर चाइना में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखेगा, उससे ही टाटा स्टील भी आपको मोमेंटम देगा। और वो जैसे कि टाटा स्टील का जो आज 10% का लोअर सर्किट लगने का कारण ही चाइना का जो इंडेक्स था ना, वो भी 10% तक का लोअर सर्किट लगा था, इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। तो अगर मार्केट में कल स्टील सेक्टर में तेजी दिखता है, तो आपको टाटा स्टील, आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, सारे स्टील सेक्टर के हिंडाल्को वगैरह सबको रखिएगा, हिंडाल्को भी 6% तक के गिरावट देखने को मिले। तो मेरा मानना है कि कल अपॉर्चुनिटी, स्विंग ट्रेडर्स हो आप तो कल अपॉर्चुनिटी है कि आपको बाइंग करने के लिए, गिरावट मिलता है तो बाइंग करें, होल्ड करिएगा। फिर से टारगेट्स आपको 1320 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप जा सकते हो। कल गिरावट में अगर कल लोअर सर्किट में आता है, कल 5% से अगर करीबन 1200 के करीब आता है ना, तो 1200 का कॉल ऑप्शन भी बाई करके होल्ड कर सकते हो। अगर 1220 का कॉल ऑप्शन या 1220 का कॉल ऑप्शन बाइंग करने का आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर आपको मिलता है पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हो, मगर नियरेस्ट एक्सपायरी है। दिक्कत की बात है कि नियरेस्ट एक्सपायरी है, आपका प्रीमियम डीके भी होगा, तो सेफ वाले जो ट्रेडर्स है वो ना खरीदे, और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वही दाव खेले। अगर जैसे सेफ ट्रेडर्स हैं, 2-4 रुपये प्रॉफिट के लिए जाइएगा, प्रॉफिट मिले इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि नियरेस्ट एक्सपायरी है 30 तारीख को है, 10 दिन, अब 9 दिन बच गए हैं एक्सपायरी के। इसीलिए टाटा स्टील में जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, बहुत ही सोच समझ कर बाइंग कीजिएगा। और होल्डिंग करने से पहले याद रखिएगा, एक्सपायरी नियरेस्ट है, होल्डिंग कीजिएगा, टाइम डिके का बहुत ज़्यादा फैक्टर करेगा और आपका प्रीमियम जीरो हो सकता है। तो अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट चला तो आप सोचिएगा कि आज या कल चला जाएगा, आज और कल नहीं जाएगा, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, जितने जल्द नज़दीक आएगा प्रीमियम डीके होगा, आप जो चाहोगे टारगेट वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो पोजिशन नॉट होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि अपना प्रॉफिट बुक करिए, मिल रहा है बुक करके निकल जाइएगा, ठीक है। तो टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर कल कैश सेगमेंट में गिरावट होता है तो आपको पोजिशनली बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है। साथ में ही 1320 रुपये तक के लिए फ्यूचर में भी ट्रेड कीजिएगा। कल अगर गिरावट होता है तो 1220 रुपये तक के 20 का कॉल ऑप्शन बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। मगर यही है कि जब तक वेट कीजिएगा कि कितना गिरता है टाटा स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील भी आप रखिएगा आप लोगों वॉच लिस्ट के अंदर, उसके अंदर भी आपको मुनाफा हो सकता है कल के। स्टॉक इंडिगो, इंडिगो ने आज दिन भर मामू बनाया, बहुत ज़्यादा मामू बनाया है इंडिगो ने। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इंडिगो ने ऐसा क्यों किया, तो इंडिगो का देखिएगा ट्रेडर्स ना, कि इंडिगो आज जो ट्रेड किया दिन भर, आप दिन भर अगर देखिएगा इसका जो रेंज, जो ट्रेड आप देखिएगा रेंज बाउंड में, तो रेंज आपको यहाँ पे इंडिगो का जब रेंज देखिएगा ना ट्रेडर्स, तो ये दिन भर रेंज यही बना के रखा था। ये जो रेंज आपको देखिएगा ना, ये रेंज आप अगर ये देखिएगा ना, तो ये रेंज, ये दोनों का रेंज बना के रखा था। सॉरी, ये थोड़ा ड्रॉ करने में हिल रहा है, ठीक है। तो ये रेंज बना के रखा था 2175 रुपये का अपर था, और नीचे था 2150 रुपये का। थोड़ा देर के लिए फॉल्स ब्रेकआउट दिया, मगर 2141 रुपये के बाद फिर से ये रिटर्न होकर 2170-72 देख गया। तो कल के सत्र में अगर ट्रेडर्स अगर 2180 रुपये के एवब निकल जाता है इंडिगो, याद रखिएगा 2180 रुपये के एवब निकल जाता है, तो आप 2200 रुपये का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। 2180 रुपये के अबव निकल जाता है इंडिगो, तो 2200 रुपये का कॉल ऑप्शन बाई कर लेना। साथ में ही कैश सेगमेंट में ट्रेड करना हो तो कैश सेगमेंट में ट्रेड कर लेना, फ्यूचर में ट्रेड करना है तो फ्यूचर में कर लेना, आपको पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है इंडिगो। पोजिशनल पर्पज से आज तो कोटक सिक्योरिटी के तरफ से भी रिकमेंड किया गया है इंडिगो को 2820 रुपये तक के टारगेट के लिए। आपको कहिएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, 2820 रुपये तक के टारगेट्स के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है इंडिगो को। इसका मतलब है इंडिगो भी, मतलब कोटक सिक्योरिटी वाले को भी लगता है कि इंडिगो में एक अच्छा खासा तेजी आ सकता है। तो आप लोग भी कोटक सिक्योरिटी में, जैसे कि इंडिगो में अगर गिरावट मिलता है तो अपॉर्चुनिटी है आपको बाइंग करने के लिए, अपॉर्चुनिटी है, बाइंग करके होल्ड कीजिएगा, आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक्स को। हम जब से है, जब 1700 मतलब
सितंबर मंथ स्टार्ट होते ही मैंने 1700 रुपये का मैं रिकमेंड किया था बाइंग करके होल्ड करने के लिए, और इस स्टॉक के अंदर एक महीने से कम में ही ये करीबन 500 रुपये तक का ट्रेड देखने को मिला है। देखिए एक मंथ का रिटर्न, देखिए ये 490 रुपये का जो रिटर्न आप देख रहे हो एक मंथ, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको 20% तक का तो आपको कल के सत्र में, 5 दिन के सत्र में ही देखने को मिलेगा। तो ट्रेडर्स मेरा मानना है कि ये रखिए, इंडिगो आपको पैसा बना के देगा ही देगा। ट्रेडर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा 740 रुपये के करीब में आ चुका है। मेरा मानना है कि यहाँ पे माल आज तो 732 रुपये तक का लो लगा दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मेरा मानना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर आपको माल उठाने का सही समय है। कल भी अगर कहीं गिरावट होता है ना तो कल भी बाइंग करते रहिएगा, प्रत्येक गिरावट में माल उठाते जाइए, होल्ड कीजिए, आपका टारगेट जो है ना 1000 रुपये तक का बनाए रखिए पोजिशनली, इसके में कोई शक की बात नहीं है। पोजिशनली इस स्टॉक के अंदर आपको टारगेट्स मिलेंगे ट्रेडर्स, और बने रहिए इस स्टॉक के अंदर, गिरावट में बाई करते जाइए इसको, ठीक है। तो गिरावट में बाई करते जाइए महिंद्रा एंड महिंद्रा में, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको एक गुड न्यूज इसके लिए वरदान साबित होगा, जिस दिन भी इसके मिलेंगे टारगेट्स आपके होश उड़ा देगा। कल भी बाइंग करने की सलाह है, मेरा मानना है कि कल 752 रुपये के टारगेट्स के लिए जा सकता है, नीचे अगर निकलता है तो मुझे लगता है 720 रुपये तक भी जा सकता है कल के सत्र में, ठीक है। मगर अपॉर्चुनिटी रहेगा, कल अगर गिरावट होता है तो अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए, जो स्विंग के पर्पज से खेलते हैं उनके लिए।